नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PWG के बारे में। PWG क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देखिए, अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है, BFARM फोर्थ ईयर, BTECH, MBA और सभी का रिजल्ट आया है, तो बहुतों के रिजल्ट पे PWG लग गया है। तो इस चीज़ को लेके बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हमें PWG वाला रिजल्ट पे ही डिग्री ले लेना है या बैक पेपर देना है। तो चलिए हम सब कुछ बात करते हैं डिटेल में, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PWG के बारे में। PWG पास विद ग्रेस, अक्सर होता क्या है, जब आप 2-4 नंबर से 5-7 नंबर से रुक जाते हैं तो इस कंडीशन में यूनिवर्सिटीज़ क्या करता है, आपको ग्रेस मार्क्स लगाकर पास कर देता है। तो बहुत लोगों को यह चीज़ समझ में नहीं आता है कि क्या ग्रेस मार्क्स लग गया है रिजल्ट पे, तो हमें ले लेना चाहिए रिजल्ट या फिर नहीं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे। पहली पॉइंट यह है, क्या इफ़ेक्ट होता है ग्रेस मार्क्स के मार्क्स फीस पे। देखिए, वैसे तो नॉर्मली देखा जाए नुकसान नहीं है अगर आप रिजल्ट ले लेते हैं तो, बट कहीं कहीं ग्रेस मार्क्स के नुकसान होते हैं। जैसे अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या होता है, विदाउट ग्रेस मार्क का रिजल्ट मांगता है। आपका रिजल्ट ऑल क्लियर चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। या तो दूसरी चीज़ फ्रेंड क्या है, अगर आप एब्रॉड में जाते हैं जैसे कि कनाडा, दुबई, तो वहाँ पे जैसे दुबई में आप जाएंगे तो DHA एग्ज़ाम होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। कनाडा में जाएंगे तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे जो रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है फुल क्लियर चाहिए, क्योंकि हायर सिटीज़ जो हैं, जो अच्छे सिटीज़ हैं, वेल डेवलप सिटी हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप रिजल्ट आपका एकदम नीट एंड क्लीन मांगते हैं। तो इस कंडीशन में आपका नुकसान हो सकता है, इसीलिए रिजल्ट पे पास विद ग्रेस सही भी है, ले सकते हैं, बट हायर एजुकेशन के लिए लोचा होता है, अब्रॉड में जा रहे हैं उसके लिए लोचा होता है, या फिर इन फ्यूचर में अगर ऐसा कहीं हुआ गवर्नमेंट वैकेंसी या गवर्नमेंट जाम निकला तो ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी से लागू है, इन फ्यूचर कि अगर अब कोई जॉब गवर्नमेंट आ रहा है तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, रिजल्ट स्टेटस आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक लोचा हो सकता है। बाकी के PWG के कोई ख़ास उतने बड़े नुकसान नहीं। अगर आपको यहीं पढ़ना है, आगे हायर डिग्रीज में नहीं जाना है, तो आप बड़े आराम से अपना सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। अगर हायर स्टडी करना है, अब्रॉड जाना है और आगे प्रिपरेशन भी करना है हायर लेवल का, तो आप उसको बैक ही दे दीजिए तो बेटर रहेगा। देखिए, वैसे हम नॉर्मली PWG का बात करें तो आप ले सकते हैं, बेझिझक सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई लोचा नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में अगर कहीं जा रहे हैं फिर इन फ्यूचर लोचा हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे एक सिद्धांत है, एक चीज़ कहना है, इस कंडीशन में आपको कैरी पेपर दे लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके मन का शंका भी दूर हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, सॉरी, जब रिजल्ट एकदम कंप्लीट हो के आता है तो वहाँ पर भी लिखा रहता है PWG, तो अगर दे देते हैं बैक पेपर तो आप इससे भी बच जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट जो होगा एकदम क्लियर होगा, PWG नहीं रहेगा। तो यही सब इन्फॉर्मेशन है, और इससे भी कोई और इन्फॉर्मेशन हो, कोई शंका हो मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।